हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार कल ट्विटर पे बॉयकॉट आरआरआर इन कर्नाटका चल रहा था। पहले तो मैं सोचा यार कर्नाटका में तो हिजाब वाला मामला चल रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ गया। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ की जो ऑडियंस है उनको कन्नड़ा लैंग्वेज में आरआरआर को देखना है, और मेकर्स ने अनाउंस किया कि भाई आरआरआर हमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इन सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी। बट बुक माई शो पर जब जाके देख रहे तो हिंदी और तमिल अवेलेबल है बट कन्नड़ा नहीं है। तो इसमें कन्नड़ा ऑडियंस को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है हमारे लिए। और इसके बाद जो ट्रेंडिंग शुरू हुआ वो ट्रेंडिंग पूरा दिन चलता रहा। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने भी जब बुक माई शो में जाके देखा तो ये पर्टिकुलर मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु में है बट कन्नड़ा और मलयालम में। मुंबई में इसका कोई भी शो नहीं है। चलो मुंबई का तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, लेकिन कन्नड़ा में कन्नड़ा लैंग्वेज क्यों नहीं है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो इस पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके स्टेट में भी यही सारी चीज़ें हो रही है या नहीं। उसके अलावा आरआरआर की बात करो तो भाई कल ये बड़ी मूवी, इस साल की बड़ी मूवी और इस साल की नहीं हमारी इंडिया की है वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी ऑफ डिकेड्स मैं बोल सकता हूँ, जिसका इंतजार लोगों को सालों से था। लेकिन अब फाइनली जब ये कल मूवी रिलीज होने वाली है तो फर्स्ट डे इसका कलेक्शन अगर आप लोग प्रिडिक्ट करो तो कितना होगा वो मुझे कमेंट से बताना। लेकिन मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मूवी का कम से कम 80 to 100 करोड़ होना ही है बिकॉज ऑफ SS राजामौली सर। और सच बात तो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर मूवी के जो टिकट रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मुंबई में तो भाई 700 से 1000 तक की टिकट मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि मूवी का बजट बहुत बड़ा है और बजट को कवर करना तो यार टिकट के रेट्स तो हाई करने ही पड़ेंगे, ये तो तुम लोग तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन उस टिकट में आपको मिलेगा बहुत ही मजा, और ये चीज मैं एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लेवल का क्रेज मैंने देखा है ना भाई, अगर आप लोग भी देख लेते तो आप लोग भी वही बोलते कि भाई आरआरआर फाड़ने वाली है। और अगर ये मूवी अच्छी लगी ना ऑडियंस को तो भाई फर्स्ट 3 डेज में 350+ करोड़ का बिजनेस करेगी, पहले 3 दिन में। पूरे वीक की बात करें तो भाई 700 करोड़ कहीं नहीं गए। और ऐसा ये मूवी करती है तो फिर तो भाई सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लो, बाप ऑफ ऑल मूवीज KGF चैप्टर 2 भी आने वाला, KGF चैप्टर 2 का भी प्रमोशन कर लेते क्योंकि फाइनली अपन KGF चैप्टर 2 के ही फैन है। लेकिन RRR भी देखेंगे। SS राजामौली सर किसी मूवी के साथ जुड़े और वो मूवी ना देखे तो ऐसा हो सकता है क्या? तो बस इस वीडियो में इतने। अगर आप लोग कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख रहे हो या लास्ट शो भी देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दे बाय।